हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज हम लोग बनाएंगे, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, अमृतसरी फिश फ्राई, जो कि बहुत ही टेस्टी है और घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो इजी रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूं, ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिश को अच्छे से वॉश कर लिया है और जो उसका पानी है वो निकाल दिया है। उसके बाद हम फिश को एक बड़ी प्लेट में लेंगे ताकि सारे पीसेस हम अलग अलग रख सकें और फिर उसके ऊपर मैरिनेशन के जो मसाले हैं वो मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने जो बासा फिश आती है वो यूज़ करिए, आप कोई और भी फिश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन और जो फ्राई की रेसिपी है वो सेम रहेगी। फिश के जो सारे पीसेस हैं वो हमने प्लेट में रख लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसके अंदर मिक्स करेंगे थोड़ी सी हींग। हींग से क्या होता है कि जो भी अगर फिश के अंदर कोई बैड स्मेल हो तो वो निकल जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमने थोड़ी सी हींग इसके अंदर मिक्स कर दी है। जैसा कि हम लोग अमृतसरी फिश बना रहे हैं तो अमृतसरी फिश के अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट है या मेन फ्लेवर जो है वो अजवाइन का होता है, तो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन मिक्स करने के बाद बारी आती है लेमन जूस की, तो एक लेमन का जो जूस है वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो हमने जो तीन इंग्रेडिएंट्स मिक्स करे हैं, हींग, अजवाइन और लेमन जूस, इसको हम अच्छे से कोट करेंगे। फिश की दोनों साइड अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए, तो हम इसे अच्छे से एक मिक्स कर देते हैं। ये कोटिंग करने से अजवाइन और हींग से जो है सारी बैड स्मेल निकल जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देंगे। उसके बाद बारी आती है अब मैरिनेशन के मसाले मिक्स करने की। तो मसाले में सबसे पहले हमें ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी, तो हम सारी इवनली स्प्रेड करते हुए ही मिक्स करेंगे। तो हल्दी मैंने ऐड कर दी है, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और नमक भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमें मेनली सिर्फ ये तीन मसाले ही ऐड करने हैं और कोई एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसी से फिश के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब बारी आती है इसके अंदर ऐड करना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो लगभग मैंने 7 से 8 क्लोव गार्लिक के लिए थे, उसे क्रश कर लिया है और जो जिंजर है उसे भी मैंने क्रश कर लिया है। तो जो हमारे मसाले हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड हो चुका है। अब बारी आती है इस पे कोटिंग करने की। तो हम इसके अंदर अप्रॉक्स अभी 2 चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं। बेसन का सिर्फ इसके अंदर ये काम है कि इन सब जो मसाले हैं उसको अच्छे से बाइंड करें और फिश के ऊपर जो है वो स्टिक कर दें। तो हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, हमें कोई बैटर नहीं बनाना उसका, बस हमें ये इंश्योर करना है कि जो इसके ऊपर कोटिंग है सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं। तो हम बेसन मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। मेक श्योर कि फिश के आगे पीछे सब जगह मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए और सारी फिश पे इक्वली मसाला लग जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी फिश के जो पीसेस हैं उस पे अच्छे से मसाला जो है वो स्टिक हो चुका है, कोट हो चुका है। तो अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1/2 घंटे के लिए। फिश को बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा मैरिनेट करेंगे तो ये पानी भी छोड़ सकती है। तो हम इसे सिर्फ 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और फिर इसे करते हैं फ्राई। आधा घंटा हो चुका है, हमारी जो फिश है वो मैरिनेट हो चुकी है। अब एक फ्राइंग पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी और हमें फिश को शेलो फ्राई करना है, एक साथ डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। और फिश को हम 2 पार्ट्स में फ्राई करेंगे, पहले थोड़ा सा फ्राई करके एक बार निकाल देंगे और उसको फिर वापस से फ्राई करेंगे। कुछ फिश के जो पीसेस हैं उसको हमने तेल में रख दिया है फ्राई होने के लिए। एक साइड से फ्राई करने के बाद इसको पलट के हम दूसरी साइड से भी थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद उसे साइड में निकाल के रख देंगे। उससे क्या होगा कि जो फिश दोनों साइड से हमने थोड़ी सी फ्राई करी है तो गर्माश से वो अंदर तक पक तो जाएगी और फिर जब हम सेकेंड टाइम उसे फ्राई करेंगे तो वो उसमें जो क्रिस्पीनेस हमें चाहिए तो उसमें क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छी आएगी। तो हम ऐसे ही सारे पीसेस को एक बार सिंगल टाइम फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर सेकेंड टाइम फिर से फ्राई करेंगे।
देख सकते हैं हमने जो फिश के सारे पीसेस हैं उसको सिंगल टाइम फ्राई कर लिया है, मतलब हाफ कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, एकदम डार्क ब्राउन लेयर नहीं लानी है हमें। सेकेंड टाइम जब हम उसको फ्राई करेंगे तो उसमें हम उसको अच्छे से पकाएंगे ताकि कि क्रिस्पी लेयर भी आ जाए और जो फिश है ऊपर से पूरी पक भी जाए। इसके लिए अभी हम इसे 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे और फिर उसको हम फिर से फ्राई करेंगे। उसमें हमें वापस कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ करना है, इस फिश को एज इट इज़ उस पैन में रखेंगे। थोड़ा सा जो ऑयल पहले का है उसी के अंदर हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि फिश जो है वो खुद भी अपना थोड़ा ऑयल छोड़ देती है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको हमने सेकेंड टाइम पकने के लिए रख दिया है। इसे हम प्रेस कर करके अच्छे से दोनों साइड से कुक करेंगे ताकि अंदर तक अगर कुछ कच्ची भी है तो वो पक भी जाएगी और जो आउटर लेयर है वो भी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। आप इसके ऊपर चाट मसाला या जलजीरा भी स्प्रिंकल करके इसे सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ये एज इट इज बहुत ही अच्छा टेस्ट करती है। तो लीजिए हमारी अमृतसरी फिश फ्राई बनके रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी थी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इजीली घर पे बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप भी इसे ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप भी इसमें कुछ और एड ऑन या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।